हरियाणा के यमुनानगर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। बिजली के तार में तेज कट आने से पूरे मकान में तेज कट दौड़ गया तथा लेंटर तक फट गया, जिस कारण छत पर खड़े एक मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई। हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले बाजा मिस्त्री निवासी जोगिंदर नगर मकान नंबर 29 के रहने वाले हैं। 12 जून 2020 को शाम 6 बजे उनका बड़ा लड़का सुनील कुमार कालू अपने घर की छत पर खड़ा था, तो अचानक बिजली के तारों में चिंगारी निकली और एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से वह लड़का बुरी तरह झुलस गया। आनन फानन में लड़के को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसको प्राथमिक चिकित्सा दी गई। फिर उन्होंने गंभीर हालत देखते हुए उसको मौलाना मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज के दौरान लगभग 1 लाख खर्च हुए। समय समय पर मोहल्ले वासियों व मृत बच्चे के पिता द्वारा बिजली विभाग को शिकायत भी की गई कि तारों पर बार बार स्पार्किंग होती रहती है, वह तारे काफी ढीली व जर्जर अवस्था में है, पर इस शिकायत पर बिजली विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से मेरे लड़के के साथ यह हादसा हुआ। परंतु उसके बाद भी बिजली विभाग चुप बैठा है। इसमें बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, वह मेरे पुत्र की मौत हो गई। हमने अपने गांधीनगर पुलिस चौकी में पुलिस से बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, पर उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, मना कर दिया। पुलिस ने मेरे बेटे के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पत्रकारों से मृत बालक के पिता ने बात करते हुए बताया कि मैं एक अनपढ़ व गरीब आदमी हूँ, वह अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला हूँ। अब 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है और बिजली विभाग से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। कृपया करके मेरे बेटे की मृत्यु का मुकदमा बिजली विभाग के खिलाफ दर्ज करवाया जाए व दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, और उनके मृत बेटे के ऊपर जो भी पैसा इलाज के दौरान खर्चा हुआ व मुआवजा की राशि प्रदान की जाए, वह मुझे इंसाफ दिलाया जाए। उसका हमने बोले ना कि सुन रहा था, उसके वास्ते हमने करा अपने बेटे वास्ते। बिजली विभाग से आपको तक क्या मदद मिली? बिजली विभाग से हमसे कुछ नहीं मिला, बल्कि उनको फिर साहब बुलाया जी कि मेरा टिकट आएगी पहले वाले कार्ड, हमको 25-30 हज़ार रुपया दे दो। चाहे उनके मैडम से मैंने भी बोला 25-30 हज़ार रुपया दे दो, मेरी रजिस्ट्री रख लो मकान की, मुझे पैसे की जरूरत है। गया नहीं दिए, फिर वापस आ गया, फिर मुकिन साहब कहने लगे कि आ जाओ साइन करना, तो गए तो और साइन करके चले आए। फिर हमको कुछ बताए नहीं कि बिजली विभाग क्या नहीं दिए हैं, क्या नहीं किए हैं। जो भाई उनका तो उनके पास फाइलें तो बताना चाहिए ना, सारी फाइल दे रहे हो, बिजली विभाग वाले क्या आपको दिए हैं। अब आपकी बिजली विभाग से क्या मांग है? बिजली विभाग से यही है भाई साहब कि हमको नौकरी हमारे बच्चों को हमको मिलना चाहिए, चाहे हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, हमारी भविष्य बना। हमको बेटा जवान चला गया हमारे, तो भाई सन्नास ले लिया, कैसे जिंदगी जी नाम कर, उसी के लिए सोचा था कि मेरा बेटा था। ऐसा छोड़े है बिजली कि हमारा लड़का सीधे चल गया, सारे बच्चों को नहीं था, पैसे नहीं था, कि पैसे कैसे करके उसका हमने किया। हमको सच्चाई चाहिए, आज जो बिजली छोड़े है उनको भी सच्चाई हमारे को आगे आना चाहिए। आपने जो वकील करा था उससे आपको क्या मदद मिली? कोई मदद नहीं मिली, वही फाइल आप दिए, हम पढ़े लिखे नहीं, साइन करवा के पूछा मैं बहुत ही दे दो, करो चलो देंगे, अब कोई पता नहीं, हम भूखे क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ पाल रहे हैं।